तो दोस्तों स्वागत है तुम सभी का एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा जरूरी न्यूज। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज्यादा जरूरी न्यूज, जो न्यूज के साथ तुम्हें कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी और गूगल के पहले पेज पर तो बिल्कुल भी नहीं। चुतिया बनाया तुमको। तो फिलहाल अपना वॉच टाइम बढ़ाने का चुतिया मैं यहीं पर खत्म करता हूँ और डायरेक्ट चलता हूँ अपनी पहली न्यूज पर, जो की आ रही है सीधा बॉलीवुड से। बिल्कुल दोस्तों, बॉलीवुड का काम सिर्फ नेपोटिज्म को बढ़ावा देना नहीं है बल्कि मुझ जैसे बकचोदी फैलाकर उसे न्यूज का नाम देकर चलाने वाले एंकरों का पेट पालना भी है। क्या बोला तूने? तो पहली न्यूज जो बॉलीवुड से निकल के आ रही है वो ये है कि बॉलीवुड की बहुत ज्यादा पॉपुलर एक्ट्रेस भाग्यश्री जी ने कि तुम घंटा नहीं जानते होंगे क्योंकि तुम्हारे दादाजी के जमाने के पैदा हुई और तुम्हारे बाप और चाचा के रही हुई क्रश है। अच्छा, तो इन्हें देखने के बाद तुम्हारे और तुम्हारे बड़े भाई की बॉलीवुड की क्रश यानी कि जानवी कपूर और सारा अली खान का मन किया कि हम नाले के गंदे पानी में डुबकी लगाकर मर जाएं। कैसा? क्योंकि 52 साल की उम्र में भाग्यश्री आंटी ने पहनी बिकनी, जिसके बाद सारा अली खान और जानवी कपूर की हॉटनेस उनके सामने बीएससी में मेरे एडमिशन होने के लिए मेरे नंबरों की तरह कम पड़ गई। तो इसी दुख को अपने दिल में रखते हुए बढ़ते हैं दूसरी न्यूज की तरफ, जो कि आ रही है हमारी राष्ट्रीय नृत्य का सपना चौधरी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, वही सपना चौधरी जिनके डांस से इंस्पायर होकर कई डांसरों ने अपनी एकेडमी रील्स पर खोल दी है। ओ भाई। तो दोस्तों करोड़ों रुपए कमाने वाली सपना चौधरी जी को घर में पोछा मारते हुए देखा गया, वो भी उनके खुद के घर में। अबे साले। और इस बात पर सपना चौधरी जी का कहना है कि भाई हम लोग चाहे कितना भी पैसा कमाएं लेकिन हमें हमेशा जमीन से जुड़ा रहना चाहिए। बस वो अलग बात है कि उस दिन नौकरानी ना आने की वजह से उन्हें मजबूरी में ये काम करना पड़ा, लेकिन सेलिब्रिटी है ना तो तुम लोगों को इंस्पायर करने के लिए कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। चल। खैर उनकी कही भी बात, मैं तुम लोगों को एक और बात कहना चाहता हूँ यार कि उन्होंने बहुत सही बात कही है। अगर हवा में तुम लोगों को उड़ना भी हो तो सिर्फ उतना ही उड़ो जैसा कि तुम्हारा थूक जमीन पर पहुंच सके, क्योंकि उससे ऊपर उड़ोगे तो भूसड़ी के ऑक्सीजन तो वैसे ही नहीं मिलेगी और उसके बाद तुम्हारी डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। शाबाश। तो दोस्तों अगली न्यूज आ रही है हमारी टॉलीवुड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ तुम्हें टॉलीवुड की भी खबरें देता रहूंगा। तो दोस्तों सिंगल मूवी में काम करने वाले हीरोइन काजल अग्रवाल, जी हाँ दोस्तों, जिन्हें तुमने मूवी में उतना ही देखा होगा जितना कि मूवी में हर दारू पीने वाले सीन में तुम्हें शराब जानलेवा है लिखा हुआ दिखता है। तो दोस्तों गूगल के न्यूज रिपोर्टर का कहना है कि काजल अग्रवाल जी भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी है क्योंकि कुछ ही महीने पहले बस उनकी शादी हुई थी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे तुम मुझे गाली देना चाहते हो सेम वैसे ही मैं भी गूगल के न्यूज रिपोर्टर को गाली देना चाहता हूँ। अबे सालों, जब कुछ महीने पहले लड़के के साथ लड़की की शादी हुई है तो वो प्रेग्नेंट ही होगी ना, पैदा तो होगी नहीं। खैर दोस्तों, मुझे कंटेंट देने वालों के लिए जरा अपने दिल में प्यार रखो और अगर तुम लोगों को अपना गुस्सा दिखाने का शौक चढ़ा ही हुआ है तो दोस्तों बॉलीवुड की एक और नेपो किड की नई मूवी, जी हाँ दोस्तों ईशान खट्टर, जिसकी की दो मूवियां पहले भी आ चुकी है जिसमें से कि एक है धड़क और दूसरी का तुम्हारी तरह मुझे भी कुछ पता नहीं, तो इसकी एक और नई मूवी आ रही है जिसका नाम है कि पीपा। साला ऐसा लग ही नहीं रहा कि किसी प्रोडक्शन हाउस से निकली है, ऐसा लग रहा है किसी फोड़े से निकलने वाली कोई चीज होगी। अरे नहीं भाई। दोस्तों अगर तुम लोगों को अपना गुस्सा दिखाना होगा तो अभी कुछ टाइम बाद इस मूवी का ट्रेलर भी आ जाएगा, तो उस पर तुम अपना गुस्सा डिसलाइक करके दिखा सकते हो, क्योंकि डिसलाइक करने के अलावा हम लोग और कुछ कर भी नहीं सकते, जो कुछ करना होगा वह हम मूवी देखने के बाद कर लेंगे। समझ रहे हो? गजब टूबी बाज आदमी हो। खैर दोस्तों, मूवी से याद आई मुझे अपनी अगली न्यूज, जी हाँ दोस्तों, जो कि हमारे इंडिया के बहुत ही बड़े फिल्म मेकर राज कुंद्रा जी के बारे में। शर्म करो, भगवान से डरो। तो दोस्तों राज कुंद्रा जी की बीवी, दोस्तों दूसरी बीवी शिल्पा शेट्टी जी गई है माता वैष्णो देवी के मंदिर अपने पति के लिए मन्नत मांगने, लेकिन मैडम को शायद किसी ने बता नहीं यार कि भगवान भी लोगों की मुरादें पूरी करता है और दुखों को दूर करता है लेकिन किसी के कांडों को मिटाता नहीं है। खैर दोस्तों, अब इसमें हम भी क्या कर सकते हैं, लोगों की अपनी सोच और अपनी श्रद्धा। खैर दोस्तों, तुम भी भगवान से दुआ करो यार कि मेरे भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ जाए और मेरे भी पूरे 1K सब्सक्राइबर हो जाए। तो दोस्तों ये न्यूज है मुझ जैसे कुछ अच्छे लोगों के लिए जिन्होंने की पिछले साल ही 12वीं पास की है, और अगर हो सकता है कि तुम में से कुछ लोग शायद पिछले साल भी 12वीं पास नहीं कर पाए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं यार, चुपचाप करके ओपन बोर्ड से अपने 12th के फॉर्म भर लो और उसके बाद या तो होटल में चले जाओ या फिर आर्मी की तैयारी करो, क्योंकि भोसड़ी के अगर तुम लॉकडाउन में पास नहीं हो पाए तो फिर तुम्हारी क्वालिफिकेशन की हालत तुम्हारे फोन की लैंग्वेज को इंग्लिश में करने की भी नहीं है। खैर सॉरी यार, मुझमें थोड़ा सा पास होने का एटीट्यूड आ गया था। तो खैर गूगल द्वारा 12वीं पास किए हुए लॉन्डो के लिए कुछ कोर्स बताए गए हैं जो कि तुम्हें भविष्य में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं और तुम्हें बहुत ही ज्यादा मालामाल करने वाले हैं। बस वो अलग बात है कि इन कोर्स को करने के बाद तुम्हारे पास अगर 5,000 रुपए भी आ जाए तो तुम खुद को ATM मशीन समझने लगोगे, क्योंकि इन कोर्स को करने के लिए तुम्हारे घर का तवा तक बिक जाएगा। ठीक है। तो अगर इसके बाद भी तुम लोग वो कोर्स करना चाहते हो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके वो कोर्स पूछ सकते हो, मैं तुम्हें वहां बता दूंगा। दोस्तों अगली न्यूज हमारे बॉलीवुड के किंग खान और भाईजान से रिलेटेड। जी हां दोस्तों, और ये न्यूज तुम लोगों की गलतफहमी को भी दूर कर देगी, क्योंकि दोस्तों आज तक तुम लोग जो इनके लिए अपने मन में गलत फहमी लेकर बैठे हुए थे कि ये लोग इतने बड़े सेलिब्रिटी सिर्फ मिट्टी और गोबर खा के बने, तो दोस्तों वो बिल्कुल ही गलत है। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि ये लोग तंदूरी चिकन भी खाते हैं, और ये बात न्यूज वालों को बताई बॉलीवुड की सेलिब्रिटी फराक खान ने। जी हाँ दोस्तों, ये वही फराक खान है जो कि टिकटॉकरों के नक्शे कदम पे चलते, अगर तुम एक बार फेमस हो जाओ तो तुम उसके बाद कुछ भी बन सकते हो, जैसे कि ये कोरियोग्राफर बन गई। लेकिन फराक खान जी के लोगों के बीच पहचान बहुत है, इतनी कि इनको अकेले किसी शो पर बुलाया भी नहीं जाता है, जब भी कोई बुलाता है किसी फेमस सेलिब्रिटी के हिसाब में बुलाता है। गजब बेइज्जती है। खैर आज की टॉप न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। अब अगर तुम लोगों को ये न्यूज़ पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और इस चैनल को तुम सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पर तुम्हें इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिलती रहेंगी, आई शपथ। अब फिलहाल तुम लोग कमेंट करके बताओ यार कि तुम लोगों को ऐसी और भी वीडियोस चाहिए या फिर नहीं। तो फिलहाल टाटा बाय बाय, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।